सोलेंग गांव मिजोरम राज्य के आइजोल जिले में स्थित है। यह गांव 1800 की आबादी वाले 400 परिवार है, जिनमें से 485 बच्चे हैं। सोलेंग की ग्राम सभा ने बच्चों के कल्याण के लिए बड़ी पहल की है। उन्हें लगातार दो बार यानी 2021 और 2022 में राष्ट्रीय बाल हितेशी पंचायत पुरस्कार मिल चुका है। ग्राम परिषद आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनी प्राथमिकता सूची में रखती है। उन्होंने गांव के सभी 4 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए केंद्र समिति गठित की है, जिसमें ग्राम सभा सदस्य अध्यक्ष होते हैं। वे पुराने आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत और रंग रोगन करते हैं। इन्होंने प्रत्येक केंद्र को खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन प्रदान किया है। इन्होंने बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल और कुर्सियां दी तथा सभी केंद्रों के लिए पोषक उद्यान तैयार करने में भी मदद की। सोलेंग ग्राम परिषद ने अपने गांव में बच्चों के स्वस्थ और कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। वे आंगनवाड़ी एवं उपकेंद्र के माध्यम से बच्चों के स्वस्थ की निगरानी करते हैं तथा उन्हें पोषाहार एवं दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। वे कुर्सी और अन्य आवश्यकताओं के साथ उपकेंद्र प्रदान करते हैं और स्वस्थ जांच और टीकाकरण के लिए घर घर अभियान चलाने में स्वस्थ कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। बच्चों को व्यायाम और खेलकूद की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे स्वस्थ रह सकें। ग्राम परिषद ने वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण किया है और बच्चों के लिए टूर्नामेंट और खेल आयोजन आयोजित किए हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए स्टडी टूर और कैरियर गाइडेंस का भी आयोजन किया। सोलेंग ग्राम परिषद ने सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने बच्चों में अच्छी कार्य संस्कृति और स्वच्छता की इच्छा पैदा करने के लिए गांव की सफाई में सामाजिक कार्य का आयोजन किया। वे किशोरों के लिए स्वस्थ और स्वच्छता अभियान भी आयोजित करते हैं। बच्चों को घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने में अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है, इसलिए दूर दराज के स्थानों से पानी लाने से बचने के लिए ग्राम परिषद ने गांव में पानी उपलब्ध कराए हैं। ग्राम परिषद अपने क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेती है। बच्चों को घरेलू शोषण और यौन शोषण से बचाने के लिए बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। इसके अलावा बाल श्रम को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। ग्राम परिषद ने सरकारी कर्मचारी यथा शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव के गैर सरकारी संगठन आदि के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया, जिससे एक ऐसा गांव की स्थापना हो सके जहां बच्चे शांति से रहें और अच्छे स्वास्थ्य के साथ पले और बढ़े।